और एसिडिटी मतलब सीने में जलन होना, इसका मानसिक कनेक्शन क्या है, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, व्यसन मुक्ति और सम्मोहन उपचार तज्ञ हूँ और पिछले 39 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखो, जब स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, बहुत एंग्जाइटी है, चिंता है, वरी है, फिकर है, बहुत प्रेशर है, तो होता क्या है कि हमारे बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन कम हो जाता है। एक हार्मोन है प्रोस्टाग्लैंडिन, उसका सिक्रीशन कम हो जाता है। और उसका जब सिक्रीशन कम हो जाता है तो फिर एसिडिटी लेवल बढ़ जाती है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन जरूरी है एसिडिटी लेवल मेंटेन रखने के लिए, कम रखने के लिए। यदि वो कम हो जाता है तो एसिडिटी बढ़ जाती है। वैसे स्ट्रेस में, टेंशन में, तनाव में सेरोटोनिन लेवल जो है यदि कम हो गई तो भी पेट के प्रॉब्लम शुरू होती है और पेट विकार शुरू हो जाता है। मतलब एसिडिटी होना, बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस, सीने में जलन होना, उल्टियाँ होना और उससे बहुत परेशानी, घबराहट, बेचैनी होना, पेट में एकदम बहुत ऐसा मोटापा लगना, बहुत पेट फूल जाना, अनाज ऐसा ऊपर ऊपर आना, पानी ऊपर आना, मुंह तक आना, ऐसा होते जाता है। वो सभी को मालूम है कि एंग्जाइटी जब होती है बहुत चिंता होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, तो पेट फूल जाता है, गैसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये तो बहुत लोगों को अनुभव है। बहुत लोगों को ये भी अनुभव है कि जैसा ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई, तो उनको लेटरिन को लग जाती है, उनको पेशाब लग जाती है। तो ये तो नॉर्मल मालूम है कि ये जो एंग्जाइटी या टेंशन या प्रेशर जो है वो बाउल मूवमेंट जो है, मतलब आंत जो है, छोटा आंत और बड़ा आंत, उसकी मूवमेंट बढ़ाता है और उससे लेटरिन लग जाती है। क्या होता है कि स्ट्रेस से इसोफेगस में, मतलब अन्न नलिका जो है, इसके जो रिसेप्टर्स है वो रिसेप्टर स्ट्रेस में एक्टिव हो जाते हैं। और वो एक्टिव होने से क्या होता है, एसिड सिक्रीशन ज़्यादा करते हैं। और फिर एसिड ज़्यादा हो गया तो फिर गैस्ट्राइटिस होना, जी मचलाना, उल्टियाँ होना होता है। वैसे लोगों को इसमें बहुत हार्ट बर्न होता है, मतलब ऐसा लगता है उनको कि छाती में जलन हो रही। सीने में रात को जब जलन होती है, बहुत लोग उस तरफ ख्याल देते नहीं है, बोलते नहीं एसिडिटी हुई है, थोड़ा सा एंटा एसिड खा लो, और उनको अटैक आते रात में ख़त्म हो जाते हैं। तो रात में स्पेशली जब नींद में ऐसे कुछ दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, जलन जैसा लग रहा है, तो उसको हल्के में नहीं लेना है, सीरियसली लेना है, और उसको एंटासिड न लेते हुए डॉक्टर की तरफ जाने का है। यदि आपको स्ट्रेस कम करना है तो आप रेगुलर एक्सरसाइज करते, रेगुलर एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस लेवल कम हो जाती है। मेडिटेशन करना, स्वसम्मोहन करना, हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। आप यदि बनाना खाते हो, केला, तो उससे एसिडिटी कम हो जाती है, अदरक से एसिडिटी कम हो जाती है, और सीरोटोनिन बनाने वाले जो भी चीज़ें, ट्रिप्टोफैन जिससे बनता है, ट्रिप्टोफैन बनाता है सीरोटोनिन को अपने बॉडी में, और 95% सीरोटोनिन अपने गट में बनता है, अन्न नली का जो है उसमें बनता है 95%। तो ट्रिप्टोफैन में ज़्यादा, मतलब ट्रिप्टोफैन जिसमें ज़्यादा है वो चीज़ आप खाते हैं, इसका मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है, तो वो यदि चीज़ आप खाते हैं तो डेफिनेटली सीरोटोनिन बढ़ जाएगा, सीरोटोनिन बढ़ जाएगा तो पेट विकार कम हो जाएगा। तो ये एसिडिटी और उल्टी का मानसिक कनेक्शन कैसा है, तो तनाव आ गया, प्रोस्टाग्लैंडिन डिप्लीशन, सेरोटोनिन डिप्लीशन, एसिड सिक्रीशन ज़्यादा होना और इससे सब सिम्टम्स हो जाना। ट्रीटमेंट, रिलैक्सेशन, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, ये सब लेते हैं, और शांत, स्ट्रेस सहन करने की ताकत अपनी बढ़ाना। स्ट्रेस बाहर नहीं है, स्ट्रेस यहाँ है, वो ताकत बढ़ाना, ये कर देंगे तो आपको जो उल्टियाँ आ रही है वो उल्टियाँ नहीं आएंगी। बहुत लोग हमारे पास में आते रहते हैं कि जिनको उल्टियाँ आती है, खाना खाए कि उल्टी, खाना खाए कि उल्टी आती है, खाना खाए कि बहुत एसिडिटी होती है, उनको यदि हम साइकोथेरेपी देते हैं, काउंसिलिंग करते हैं, तो उनका सब प्रॉब्लम ही खत्म हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन लिखिए दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की,
और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।